अहमदाबाद से इनेलू उम्मीदवार अभय चौटाला का वार, बीजेपी कांग्रेस उम्मीदवारों पर निशाना साधा गया। बीजेपी और कांग्रेस जमानत बचाने के लिए लड़ रही है, ये कहा गया कि अभय चौटाला की ओर से कि जीत या हार की लड़ाई नहीं बल्कि जमानत बच जाए इस बात की लड़ाई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर ही निशाना साधा गया है। और जब आप अहमदाबाद को लेकर बीजेपी की बात करते हैं, यानी आप गठबंधन की बात करते हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियां बड़ौदा की तर्ज पर यहां भी संयुक्त तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। गठबंधन के तहत इलेक्शन ये लड़ा जाएगा। गोविंद कांडा के गठबंधन की ओर से पवन बेनीवाल, जो कि बीजेपी छोड़कर गए थे, पिछले दिनों कांग्रेस में शामिल हुए थे, वो कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस, यानी गठबंधन और कांग्रेस, दोनों ही जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रही है। लड़ाई बिल्कुल भी जीत की नहीं है या हार की नहीं है, कितने वोट मिले इस बात की नहीं, बल्कि जमानत बच जाए इस बात की कोशिश में जुटे हैं। सुनते हैं अभय को, क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से। कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो है आज अपनी जमानत उनकी कैसे बचे इसके लिए लगे हुए हैं। ये लोगों का फैसला है, ये मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा आपके आगे। ये आपने सभी अपनी आंख से देखा है नज़ारा सारा का सारा, कि जहां लोग खुल के ये कह रहे हैं कि इनकी जमानत नहीं बचेगी, ये तो अपने सर्वाइव की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जमानत की लड़ाई लड़ रहे हैं।